हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको मित्र से राम राम जी। और मैं पूरी रात से तो सो रही थी, जाग ही रही थी, तो मैंने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, अभी साफ सफाई कर लेती हूँ। और आज ना फर्स्ट नवरात्र है माता रानी का, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि, पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत दिनों का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो मैंने सोचा अच्छा दिन है, ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। और बस माता रानी के भजन चला रखे हैं और घर की ना साफ सफाई कर रही थी। एक रूम की साफ सफाई तो होगी उस वाले रूम की, अभी ये रूम साफ कर दिया मैंने। और ये देखिए अभी ना सूर्य देवता निकले नहीं है, लेकिन लाल लाल हो रहा है वहाँ पे ना, तो अभी धीरे धीरे सूर्य निकलेंगे। तो बस इस रूम की भी साफ सफाई करनी है, बेड तो साफ ही है, बस झाड़ू पोछा करना है मेरे को। और ये सारा मैंने उस रूम से भी सफाई किया, सफाई करके अभी लाइट बंद कर दिया, उधर से लाइन कूड़ा। अभी ये रूम साफ करना है, यहाँ पर मनु सो रहा है और ये लवण्या ना जाग रही है, जाग रही है, ये पूरी रात सोती नहीं है। अभी देखो, ये देखो, इसको देखो, इसकी तरफ से भी आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। बोल दो लवण्या कि मेरी मम्मा का पता ही नहीं चलता, मेरी मम्मा का कुछ पता नहीं चलता, कब मम्मा ब्लॉग शुरू करती है, कब नहीं करती है, कुछ नहीं पता है ना। देखो ये पूरी रात नहीं सोती, पूरी रात से जाग रही है, तो कोई मतलब नहीं है। और मैं मतलब क्या कहते कब से लगी हुई हूँ, क्या कहते पहले इसको दूध वगैरह पिलाया लवण्या को, फिर तो साफ सफाई करने लगी, जो सामान सामान था उसको खाया, फिर जब झाड़ू लगाने लगी तब याद आया ओहो ब्लॉग आज शुरू ही कर लेते हैं। और टाइम देखिए अभी कितना हुआ है, 6:10 बाकी है ना लवण्या, बोल दो। और मनु सो रहा है, तो बस मैं क्या जल्दी जल्दी साफ सफाई करके झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद ना माता रानी की पूजा करके फिर उसके बाद जाकर कहीं मैं सोऊंगी। तो यहाँ पर ना मैंने भजन चला रखे, आवाज़ इसलिए कम की हुई है कि कॉपीराइट ना आ जाए, और भजन चला के ना अब काम करूँगी तो जल्दी जल्दी काम भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद पूजा वगैरह करनी है। और क्या कहते हैं आप सबको एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि, माता रानी सबका मंगल करे और सबके घर में खुशियाँ लाए, जय माता दी। लवण्या अंदर शोर में चढ़ती, तो इसको भी ले आके मैंने बाहर बैठा दिया, तो अब ये थोड़ी देर बैठेगी ना तो इसको अच्छा लगेगा, थक जाती है ना लेटे लेटे बेड पर, तो इसलिए है ना लवण्या, लबू थक जाती ना बेटू। बोल दो जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि, बोल दो लवण्या, हाँ जय माता दी। तो अभी सारा घर का काम कोम तो खत्म हो गया है, और किचन की जो मतलब सेल्फ थी ना ये सारी साफ कर दी, बर्तन तो मैंने रात को ही धो रखे थे और बस एक प्लेट थी और वो उसको धो के रख दिया, किचन सारा साफ हो गया। और यहाँ पर ये सारा साफ सुथरा किचन, अब बस के रहते मैं जाऊँगी नहा के ना, बस पूजा करनी है ना लवण्या, मम्मा नहाल वे। और अभी टाइम क्या कहते हैं ना, 7 बज गए हैं, और इस बच्चों को अभी तक नींद नहीं आई है। देखो इसका टाइम, ये कल भी क्या कहते हैं 9-10 सोई थी, उसके बाद ही फिर मैं सो पाती हूँ उसको खाना खुना खिला के। और अभी भी ये देखो खाना खाएगी, फिर उसके बाद दवाई दवाई खाएगी, फिर पता नहीं कितने बजे सोएगी, इसका कोई टाइम नहीं है। अब देखो बाहर बैठा दिया तब भी शोर मचा रही है, अंदर भी बेड पर भी लेट के शोर मचा रही थी, तो बाहर सीढ़ियाँ सूढ़ियाँ भी सारी साफ करती है। बस अब सारा काम खत्म हो गया मेरा, बाहर का ऊपर से लेकर सीढ़ियाँ सारी नीचे तक साफ करके आई हूँ। नहानू के लिए थी नहानू के, मैंने ना कहते ना इस बार ना मंदिर ना जैसे मैं दरबार सजाती हूँ ना माता रानी का, तो इस बार मैंने वैसे नहीं सजाया क्योंकि मनु का पापा यहाँ पे थे नहीं, तो मैंने फिर सामान भी क्या कहते मंगवाना था ना, तो सामान भी नहीं आया था, तो इसलिए फिर मैंने इस बार ना मतलब कहते जैसे अपना मंदिर था ना, तो मंदिर में ही माता रानी को वो करके अच्छे से सारा मतलब सारा कुछ धो धो के सारा कुछ माता रानी को सब कुछ स्नान करवा के, और मैंने अपना मंदिर में ही दरबार सजाया माता रानी का। इस बार कुछ नहीं किया गया था, बस जो जो बीज दिए, क्योंकि मनु का पंच ना तो सामान लाने वाला था, तो सामान फिर लवण्या का छोड़ के मैं जा नहीं पाती हूँ, और अभी तक पूरी रास्ते में सोई नहीं हूँ, इतना बुरा हाल है मेरा। बस अब मैं पूजा करके ना अब मैं सोऊंगी। तो ये देखिए इस बार ना मैंने मंदिर के अंदर ही ना तो बस ऐसे ही यहाँ पे ना सारा अच्छे से साफ सब कुछ धो दिया था सब कुछ, और भगवान जी को सबको स्नान करवा दिया था, और माता रानी को क्या कहते हैं यहाँ पे ऐसे ही विराजमान कर रखा है। तो इस मंदिर में ही ना मैंने इस बार ना ऐसे ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि इस बार ना कुछ सामान नहीं था मेरे पास ना, क्योंकि कलश मतलब क्या कहते हैं नारियल जैसे कलश रखते थे, तो नारियल वगैरह भी चाहिए होता है, फूल पान का पत्ता और बाकी प्रसाद वगैरह सब कुछ लाना था ना, तो कुछ भी नहीं था। मनु का पापा होता तो फिर मैं सारा सामान लेके आती हूँ, तो इस बार कुछ नहीं था, तो बस ऐसे सारा कुछ तैयार करके मैंने तो ये ऐसे मैंने मंदिर से जाया है। तो ये देखिए फिर भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पे मंदिर से जाती हूँ हर बार है ना, तो बस इस बार वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने जौ बीज दिए थे, तो ये जौ बीज रखे हैं, तो ये अब निकल जाएंगे कल तक। और यहाँ पर भोले शंकर जी की भी पूजा हो गई है, और बस मेरी पूजा बस करके फिर मैं जाके सोऊंगी, मैं पूरी रात से अभी तक सो ही नहीं हूँ। तो पूजा तो अच्छे से हो गई है, तो बस माता रानी मेरी पूजा को स्वीकार करे। और देखिए यहाँ पे जोत में कितना प्यारा फूल बना है,
और इस वाली जोत में भी बना है। और अभी यहाँ पे जो नीचे जोत है ना भोले शंकर जी को, देखो इसमें भी बन रहा है। तो बस अब मैं जाती हूँ अंदर, और बहुत अच्छा लग रहा है भगवान जी का मंदिर। और जा रही हूँ मैं अंदर, अब मैं जाके थोड़ा सोती हूँ और नींद आ रही है बहुत तेज़। जय माता दी। और आप सबको फिर से एक बार सबको जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी सबको खुश रखे और सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके चैनल को ग्रो करे, जो भी जो काम कर रहे हैं वो हमेशा उनको आगे बढ़े बढ़ाए माता रानी, और सबका साथ दे और हमेशा साथ मिले। जय माता दी, जय माता दी, हैप्पी। तो ये देखिए ये सो रहा है, इसको बोल रही हूँ उठ जा, ठीक है उठ जा, और मैं सोने लगी हूँ अब। और ये देखो लवण्या, ये सो गई, इतना लेट सोती है ये बच्चू। और अब मैं ना थोड़ी देर सोती हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब उठूँगी दोपहर को, अब देखती हूँ कितने बज जाएंगे। और अभी देखो टाइम कितना, 11 बजे गए, और बस इसको उठा रही हूँ मन्नू को कि उठ जा, मन्नू उठ जा बेटा। और लवण्या तो अभी सो रही है, और अभी टाइम ना 2:30 बज गया, 10 मिनट बाकी है 2:30 बजने में, बट मैं उठी हूँ 1:30 बजे को। मैं बस कॉल पे बात कर रही थी, तो बात बूत करने के बाद अब आई हूँ मैं रूम से बाहर, और अब जा रहे हैं छत पे कपड़े टांगने के लिए। तो ये कपड़े टांगने में जा रहे हैं छत पे, और ये भी उठा हुआ बच्चा अब। तो आटा गूंद लिया था मैंने, तो आटा गूंद के बस अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, और इधर क्या कहते हैं बैंगन का भरता पड़ा था, तो सब्जी बस थी है, बाकी मैं शाम को बनाऊँगी सब्जी, इसी से हम काम चला लेंगे अब लंच में। और इसके बाद ना मेरे को लाइव भी आना है, और लाइव आके ब्लॉग भी बना रही हूँ आज मैं, और एडिटिंग भी करनी है रात को, बहुत सारा काम हो जाता है ना, जल्दी जल्दी बस खाना बना लूँ पहले। और लवण्या भी ना सो रही है, तो जब उठेगी तब उसको खिला दूँगी, पता नहीं कितने बजे तक उठेगी, क्योंकि मैं तो आज 11:30 बजे सोई हूँ, और उसके बाद अभी देखो 1:30 बजे की उठ गई हूँ, 1:30 बजे से लेकर मैं 2 घंटे सोई हूँ, सिर्फ 2 घंटे। मेरा हल्का हल्का ना सिर भी दर्द हो रहा है। तो खाना तो बन गया था, और बस मैंने लवण्या को ना अभी कहते उठी थी मैं ना लाइव चली गई थोड़ी देर के लिए, तो अभी 2 घंटे सोई हूँ, तो इसलिए नींद इतनी आ रही है, नहीं आ रही तो लाइव में कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, और ऊपर से सिर इतना दर्द हो रहा है, यहाँ से ये सारा सिर में इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। और अभी पहले लवण्या को उठा के खाना खिला लेती हूँ, फिर वो सो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब कभी नींद आएगी तब सोऊंगी। और अभी बस उसको उठा लेती हूँ, अभी टाइम कितना हुआ है, 4:45 हो गए हैं, 4:45। लेकिन लवण्या बच्चों अभी सो रही है, अभी मैं लाइव में थी ना जब, तब लवण्या की आवाज़ आई मेरे को है, तब इसने शोर मचाया और फिर से सो गई। अपनी नींद इसको बहुत प्यारी है, और अपनी नींद पैसे पूरा कर देती है, और अगर मैं सोगी ना बाय द वे तो फिर ये उठ जाएगी, फिर शोर मचाएगी। मैं सोच रही हूँ खाना खिला दूँ पहले, ये खाना खा लेगी ना, फिर मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो अभी यहाँ पे शाम की पूजा भी हो चुकी है, बस पूजा होगी, अब लवण्या को दूध देना मैंने गर्म करके, और मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है ये मंदिर भी ना, ऐसे भी ना सजा के ना बहुत अच्छा लग रहा है, वरना हर बार तो मैं ऐसे करती हूँ यहाँ पे, लेकिन बट फिर भी ना अच्छा लग रहा है ऐसे में भी। बस अब लवण्या को दूध देती हूँ, और उसके बाद हम चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। तो अभी ना डिनर वगैरह हमारा हो चुका है, और मेरे को ना बस बहुत नींद आ रही है, अगर लवण्या सोएगी ना तो मुझे सोने को मिलेगा, अगर ये सोने दे देगी तो बस अभी क्या कहते हैं टाइम हुआ है, टाइम भी क्या कहते हैं 11 बजने को 10 मिनट बाकी हैं। तो अभी बस डिनर वगैरह किया हमने, और पूजा तो हमारी हो चुकी थी, बस आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा बना नहीं है, क्योंकि एक तो नींद मेरे को आ रही थी, दूसरा लाइव जाती हूँ मैं सबको सपोर्ट करने के चक्कर में, तो उसमें ना ब्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ अच्छे से। और फिर क्या कहते हैं लवण्या भी दिन भर सोती रहती है, रात को अब जाती, अब इतनी नींद आ रही है, इतनी मेरा सिर इतना दुख रहा है ना, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि फटाफट सो जाऊँ, लेकिन पर लवण्या को खाना खिलाना होता है ना, तो इसलिए ज़्यादा वो होता है ना, वरना मन लो तो ना मन को जैसे रोटी दे तो वो खुद ही खा लेगा, इसको तो खिलाना पड़ता है ना, क्योंकि दूसरे बच्चे का तो ऐसे गुस्सा कर रही है ना लवण्या। बोलो मम्मा मेरे को तो खिलाना पड़ता है खाना, बोलो इधर देख बेटा, क्या देख रही है, क्या सोच रही बेटा, मम्मा पारी कर दो, लवण्या मम्मा पारी कर दो बिट्टू, और गुगलू पता नहीं ये कौन सी सोच में गुम हो रखी है, पता नहीं क्या सोच रही है ना लवण्या, की सोच रहे बेटा, हेलो पारी कर दो मम्मा नु, किसी कर दो लवण्या, अब ये सोच रही है मेरे को ना लटा दो, अगर इसको सोना होगा तो आधा घंटा या 15 मिनट सोएगी, फिर उसके बाद उठ जाएगी, फिर पूरी रात जागती रहेगी। और मैं सोच रही हूँ जितनी की देर भी ये सोएगी ना, मैं सोच रही हूँ अगर ये सो रहा है तो तुरंत मैं भी सो जाऊँ, ताकि अगर फिर जब ये उठेगी शोर मचाएगी फिर मैं भी उठ जाऊँगी, लेकिन जितना देर सो पाऊँ, अगर ये सोएगी तो पूरी रात, तो फिर तो मैं भी आराम से आज सो लूँगी, मेरी नींद ना पूरी हो जाएगी आज अच्छे से, है ना लवण्या, मम्मा सोने दे देंगे बेटा, मम्मा सोने दे देंगे बेटू, ओ गुगलू हेलो, पता नहीं कहाँ खोई हुई है लवण्या, की सोच रही है,
ओए तेरे ना गल कर रही है क्या है? आगे कर रही तू लब्बू मम्मा तेरे ना गल कर अरे पता नहीं कौन सी दुनिया में खो रखी है तेरा खाद है तू मन पड़ गया तो नहीं मैं अच्छा इसको लग रहा पता नहीं ये किससे बात कर रही है लवण्या है ना मैं तेरे ना गल कर रही बेटा मैं लवण्या से बात कर रही हूँ अपनी लवण्या से गुगुरु से बच्चों से ये देखिए ये बना रहा है मन्नू यहाँ पे ब्रेड सैंडविच मलाई लगा के क्या वही तो ये सैंडविच ब्रेड सैंडविच नहीं होता हाँ हाँ सैंडविच वही तो ये बच्चे भी ना टोकने की ना आदत जाती नहीं है इसने मलाई लगाया मैं खाती नहीं मलाई मेरे को दे भी नहीं रहा वैसे ये मलाई और सॉस लगा के नमक तो पा लंदा काला नमक काला नमक पाला वो जीरा भुनिया मसाला जो पाना वो पाला भैया कहते हैं 11:10 हो गए हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लोने का तो बाय 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 फ्रेंड बोल दो बेटा कर दो बाय 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 तो लोने की तरफ से बाय बाय गुड नाइट शुभ रात्रि और हैप्पी नवरात्रि शुभ रात्रि हैप्पी नवरात्रि वाओ कितना अच्छा बन गया मैचिंग मैचिंग